वाइल्ड वर्ल्ड। हम अभी 7 बजे निकले थे, ऑलमोस्ट 2 घंटे। ये हम फिलहाल अभी एक मार्केट में है, ये यहाँ करीब में जो दरिया है वहाँ से मच्छी लाकर यहाँ पे बेची जाती है। इस बाज़ार के बारे में बताइए, इस बाज़ार का नाम क्या है और कब से कब तक चालू रहता है और कितना बड़ा है बाज़ार? ये बाज़ार यहाँ ये सर्कल से आगे वो सर्कल मिलेगा वहाँ तक। कब तक मार्केट चालू रहता है? ये दो बजे तक चालू रहता है। ये दमन फोर्ट के बाहर की बाउंड्री है, यहाँ से फोर्ट के अंदर जाना है। वेलकम टू दमन यूनियन टेरिटरी। यहाँ से विजिटिंग पॉइंट शुरू हो जाते हैं, राइट साइड में मोती दमन फोर्ट है। वेलकम टू वॉयज वर्ल्ड। हम अभी मोती दमन फोर्ट के पास हैं, ये दमन यूटी में है। हम सुबह 7 बजे निकले थे, ऑलमोस्ट 2 घंटा लगा यहाँ पर पहुँचने के लिए। रास्ता बहुत अच्छा था। फिलहाल यहाँ पर अभी जस्ट बाइक पार्क किए हैं। मोती दमन एक सिंपल सा फोर्ट है और ये पार्ट फंक्शंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। यहाँ के जो केयर टेकर्स हैं वो बता रहे थे कि उन लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हैं और यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है, या फिर अगर कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो छोटा कैमरा यूज़ कर सकते हैं, इस तरह वो कह रहे थे। और रीज़न उन्होंने बताया कि यहाँ पर मूवीज़ की शूटिंग या फिर वेडिंग शूटिंग वगैरह होती है तो उसके लिए पे करना पड़ता है, सो मे बी वो रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से उन लोग ने कैमरा स्टिक बैन किया है। कैमरा स्टिक के साथ स्टैंड वगैरह, वो स्टिक को भी स्टैंड समझ रहे थे। पूरा 3 किलोमीटर लंबा ये फोर्ट है। मोती दमन फोर्ट के बाद हम अगले पॉइंट की तरफ जा रहे हैं जो यहाँ से 10-15 मिनट के फासले पर है। ये बॉम जीसस दमन में चर्च है और अंदर एक्चुअली कैमरा अलाउ है नहीं, तो इसलिए हम बाहर से ही शूट कर रहे हैं। और अंदर तो पूरा वुडन का बना हुआ, बाहर से जो है वो थोड़ा अभी रिसेंटली कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। और इसके बाहर ये कुछ स्पेस और ये चर्च के बारे में यहाँ पे कुछ बेसिक मालूम दी हुई है। 16th century में बना ये चर्च पुर्तगीज़ रूल में। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली जहाँ से एंट्रेंस किए थे वो जो फोर्ट था वो कनेक्ट है 3 किलोमीटर तक, मतलब वो 3.5 किलोमीटर तक है और पूरा सराउंडेड है वो दमन को। और यहाँ पर फोर्ट के अलावा एक चर्च था देखने के लिए और आगे जेटी है। दमन जेटी के करीब है, यहाँ पे दमन का सिग्नेचर है। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ यहाँ के लोकल हैं जो यहाँ पर आए हैं, ये करीब में ही रहते हैं। लोग बता रहे थे यहाँ पर इस मौसम में तो ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, तो कहीं पे भी पार्किंग फीस वगैरह यहाँ पर नहीं है। वो एक चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी लगी। मैं तो आमतौर पर हर जगह 10 से 20 रुपया चार्ज करते ही है। हाँ, बीच के साहिल पर काम चालू है अभी।
मार्केट के बाहर अभी खड़े हैं, है तो ये मार्केट लेकिन बाहर से ये एक चर्च की तरह नज़र आता है और पूरे दमन में पुर्तगीज कल्चर एकदम साफ तौर पर नज़र आता है। हम अभी यहाँ पे DIC मार्केट में हैं, ये दूसरे साइड है DIC मार्केट का, अपना प्रॉफिट मनीष मार्केट की तरह ही है। किस चीज़ का मार्केट से हम निकल कर अभी नानी दमन फोर्ट जा रहे हैं, यहाँ से दिस इज अ नानी दमन फोर्ट। नानी दमन फोर्ट के अंदर का व्यू, फोर्ट का पूरा टॉप व्यू नानी दमन एरिया। एक्चुअली दमन इज डिवाइडेड बाय द दमन गंगा रिवर इंटू टू पार्ट, नानी दमन एंड मोती दमन। नानी मीन्स स्मॉल एंड मोती मीन्स बिग। Despite its name, Nani Daman is the larger of the two parts, while the old city is mainly Moti Daman. Nani Daman area में इस fort के अलावा Dominican monastery भी है और वो सामने जो नदी के उस तरफ का इलाका नज़र आ रहा है वो Moti Daman का इलाका है। नीचे से जब हम first floor पे आए थे वही उसी वहीं पे आ गए ना, नीचे आ गए, यहाँ से सीधा बाहर फिर अभी। ये क्या कोई रेजिडेंशियल? अच्छा वो ग्राउंड, ये ग्राउंड उस तरफ से हम दाखिल हुए थे। बस एक चर्च था देनी का, ब्रेक हो गया तभी से वहाँ पे पूरा बना रहे नया। हाँ चर्च के यहाँ पे, हाँ ये तो किला भी बनते क्रिश्चियंस का ये सिंबल है तो हाँ। मतलब ये इनके हर इंस्टीट्यूट में इस तरह का ये आमतौर पर रहता ही है। ये बहुत पहले का है, ये बहुत सब बहुत पहले का है, पूरा चर्च था ये। अच्छा ये ब्रोक हुआ इसको कि बामगिला किले के नाम से जानते हैं, यहाँ पे है आते हैं पे करने के लिए। मतलब अपने आप ऐसा धीरे धीरे अपने आप बहुत ओल्ड हो गया ना, बहुत पहले का। हाँ मतलब दूसरी भी चीज़ें हैं जो अब तक वही से जैसे फोर्ट वगैरह उनको रिनोवेशन करते जाते हैं ना वो लोग। हाँ हाँ ये इसमें पहले ही टूट गया था फिर उस टाइम पे किसी ने बनाया नहीं, और यहाँ पे सब शूट के भी काम आने लगा थे ऐसे ही। अब मूवीज़ की शूटिंग हुई है यहाँ। हाँ मूवीज़ की शूटिंग हुई सेम एक ऐसी मोनेस्ट्री अपना मतलब जॉर्डन कंट्री है ना वहाँ पे, मतलब रोमन एम्पायर का, तो वहाँ का भी जो मोनेस्ट्री टूटा है तो उसका भी सेम इसी अंदाज में टूटा है, एकदम सेम इसी अंदाज में। और अभी हम लोग वही गूगल कर रहे थे तो कि मिस्ट्री है कि अनसॉल्व्ड है कि किस वजह से टूटा और क्या रीज़न है।